फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में, जहां अर्ली 2000 स्टूडेंट्स को मिल रहा है पोस्ट 25 कूपन कोड यूज करके 25% ऑफ। तो आपके सामने तीन पैकेजेस हैं फ्रेंड्स, आप भी इसे लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। आपके सामने तीन पैकेजेस हैं, बेसिक, प्रो और एडवांस, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए। यहाँ पे जो कंटेंट है फ्रेंड्स और जो टेस्ट सीरीज, बाकी सभी चीज़ें वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो मंथ है उसी के अंदर डिफरेंस है। और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप wifistudy.com/ssc टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ में जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो wifistudy.com/banking टाइप करके बैंकिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप कॉल्स कर सकते हैं 7023333675 है, और साथ में मेल भी कर सकते हैं support@wifistudy.com के ऊपर, वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड, वो है टिजी। टिजी एक नाउन है जिसका मतलब है स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन, यानी कि घबराहट। तब कोई बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, ओके, कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ज़्यादा तेज से बोल देता है, तो घबराहट जब जिसको हो जाती है अपन उसको बोलते हैं टिजी। ओके, सिनोनिम देखिए, चर्निंग, डिस्कम्फर्ट, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल या फिर अनरेस्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर सिनोनिम की बात की जाए तो ये टू वर्ड्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत बार पेपर में आए। और एंटोनिम्स है इसके काम, कंपोज, कंट्रोल, एज या फिर लाइकिंग। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, माय हेड वाज इन टिजी एज आई वाज वॉकिंग टूवर्ड्स द सेंट, यानी कि मेरा सिर था वो बहुत ही घबराहट में था जब मैं एक सेंट की तरफ चल के जा रहा था। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। टिजी हुए तो डिजी हो गए। तो देखिए, टिजी और डिजी दो वर्ड्स को अपन ने रिलेट किया है। डिजीनेस तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, डिजीनेस बहुत कॉमन वर्ड है, ओके, इसका मतलब होता है कि जब चक्कर आना, जब आपके वो कुछ बहुत तेज़ बोल दे, आपको घबराहट हो जाए, तब क्या होता है, इंसान को चक्कर आने लगते हैं, वो उसकी बॉडी अनबैलेंस होने लगती है, ओके, तो उसको बोलते हैं अपन डिजी। तो देखिए, अगर ये एक पर्सन है, ओके, ये वीक पर्सन है, ये स्ट्रांग है, अगर ये इनको जोर से चिल्लाएंगे तो पहले तो ये घबरा जाएंगे, ओके, घबरा जाएंगे, घबराहट आ जाएगी, यानी कि टिजी हो जाएंगे, उसके बाद चक्कर खा के गिर जाएंगे, यानी कि डिजी हो जाएंगे, ओके, तो टिजी और डिजी दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। और यहाँ पे अपन दो वर्ड्स को एक साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ओके, तो यहाँ पे आपके दो जो वोकैब है वो एक साथ याद हो जाएंगे अगर आप ये टिजी और डिजी को रिलेट कर लेंगे। तो टिजी यानी कि घबरा जाना, और घबरा के क्या होता है, डिजी हो जाता है पर्सन, यानी कि चक्कर उसे आ जाते हैं। तो इस तरीके से टिजी और डिजी को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना इम्प्लीटेड। इम्प्लीटेड एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रोसिक्यूट और टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट, अभियोग लगाना या फिर पक्षकार बनाना, ओके, तो किसी के अगेंस्ट कोई अक्यूज़ करना किसी को, किसी के अगेंस्ट केस लगाना, ओके, उसको अपन बोलते हैं इम्प्लीटेड। सिनोनिम देखिए, अरेन, इंडिक्ट, लिटिगेट, सुआ या और ट्राई। और एंटोनिम्स है इसके एक्जोनरेट, फ्री, लिबरेट, हॉल्ट या फिर पार्डन। यहाँ पे ये दो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इट वॉज राइटली बीन मैंशन दैट ही कुड इम्प्लीड हिज मास्टर इन कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एग्रीमेंट विथ हिम, यानी कि ये राइटली मेंशन था कि वो क्या करेगा, अभियोग लगा देगा अपने मास्टर के अगेंस्ट, किसके कंसिक्वेंस में, एग्रीमेंट जो कि उसके साथ में हुआ है उसके अगेंस्ट। अब वह फॉर्म देखिए, इम्प्लीड, इम्प्लीडेड एंड इम्प्लीडेड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। इम्पीचमेंट के लिए इम्प्लीडेड करना पड़ता है। तो देखिए, इम्पीचमेंट और इम्प्लीडमेंट दोनों कितने सिमिलर से वर्ड हैं, ओके, इम्पीचमेंट और इम्प्लीड, ओके, इम्पीच और इम्प्लीड, अगर अपन इन दोनों को शॉर्ट कर ले थोड़ा सा, इम्पीचमेंट यानी कि किसी को दोष लगाना किसी के ऊपर, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट का आपको इम्पीचमेंट करवाना है तो पहले अभियोग लगाना पड़ेगा उनके ऊपर, कुछ ना कुछ इंडिक्ट लगाना पड़ेगा, ओके, केस लगाना पड़ेगा, यानी कि इम्प्लीड लगाना पड़ेगा। तो इम्पीच और इम्प्लीड देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं, और इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इम्पीचमेंट यानी कि किसी पर आरोप लगाना उसको हटाने के लिए, और इम्प्लीड यानी कि अभियोग लगाना, पक्षकार बनाना, ओके, तो इम्पीचमेंट के लिए इम्प्लीडेड करना पड़ता है। देखते हैं अपना थर्ड वर्ड, वो है पर्टेंड। पर्टेंड एक वर्ब है जिसका मतलब है बी इन इफेक्ट और एग्जिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड प्लेस और एट ए स्पेसिफाइड टाइम, संबंध होना। तो किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का एसोसिएट करना, उससे कंबाइन करना, उसके एवज में कोई चीज़ बात बोलना, उसको अपन बोलते हैं पर्टेंड। सिनोनिम देखिए, एसोसिएट, बिलोंग, कंबाइन, ज्वाइन, रिलेट या फिर वेस्ट। और एंटोनिम से डिस्कनेक्ट, डिवाइड, डिसजॉइंट, पार्ट या फिर सेपरेट। और यहाँ पे सभी बहुत ही आसान वर्ड है फ्रेंड्स, एक ही वेस्ट वर्ड को आप ध्यान रख सकते हैं, ओके, वेस्ट वर्ड को आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारे बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। देखते हैं इसका एग्जांपल। योर क्वेश्चन शुड पर्टेन डायरेक्टली टू द डिस्कशन टॉपिक, यानी कि आपका जो सवाल है
वो किस संबंध में होना चाहिए, डिस्कशन जिस टॉपिक का अपने हो रहा है उसी संबंध में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। इसके वर्ब फॉर्म्स देखिए, पर्टेन, पर्टेंड और पर्टेंड। और इसके ट्रिक देखिए, पैरो को ट्रेन करने के लिए ये चीज पर्टेंड है। तो देखिए, पैरो को ट्रेन करने के लिए पर्टेंड है क्या चीज़, ये ट्रेडमिल। ओके, इस मिल की बात कर रहे हैं, ट्रेडमिल। अगर आपको पैरो को ट्रेन करना है, अच्छी स्पीड बनानी है, तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ के पर्टेंड है, यानी कि इसके संबंध में है, इससे बिलोंग करती है, एसोसिएट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि पैरों को ट्रेन करने के लिए ये चीज़ पर्टेंड है, पर्टेंड मतलब इसके संबंध में। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस एक वर्ब है जिसका मतलब है अंडरगो मेटामॉर्फोस, यानी कि रूपांतरित होना। तो कोई भी चीज़ को चेंज होने को अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोस। सिनोनिम देखिए, अल्टर, चेंज, म्यूटेट, ट्रांसमोग्रिफाई या फिर वेरी। और एंटोनिम से कंटिन्यू, कीप, रिमेन, स्टैग्नेट या फिर स्टे। तो यहाँ पे ट्रांसमोग्रिफाई आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, चेंज होना, ट्रांस यानी कि बदलना। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। द मेटा सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द आर्किन इंक्लूड मेटामॉर्फस लाइमस्टोन एंड शेसिस विच कैरी कार्बोनेशियस मैटर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। यानी कि जो मेटा सेडिमेंट्री रॉक थी उसके अंदर मेटामॉर्फस्ड लाइमस्टोन था, शेसिस था और कार्बोनेशियस मैटर था, किस फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, मेटामॉर्फस, मेटामॉर्फस्ड एंड मेटामॉर्फस्ड। और उसके रिलेटेड वर्ड क्या है, मेटामॉर्फिक। ओके, इसका मतलब क्या है, डिनोटिंग और रिलेटिंग टू रॉक दैट हैज अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन बाय हीट, प्रेशर और अदर नेचुरल एजेंसीज। ओके, ऐसी कोई चीज़ जो कि काफ़ी टाइम बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, उसका हीट के थ्रू, प्रेशर के थ्रू या फिर नेचुरल एजेंसीज के थ्रू, जैसे कि पहले इग्नियस रॉक होती है, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। इनसे मीट करने के बाद मॉर्फिन लेने वाले मेटामॉर्फस हो जाते हैं। तो देखिए, इनसे मीट करने के लिए, तो पहला तो अपन ने मेटामॉर्फस का मीट से बनाया है, उसके बाद मॉर्फिन से बनाया है। तो ये कौन है, श्री श्री रविशंकर है। ओके, बहुत बड़े गुरु हैं और इनकी बातें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को सही काम करने को लेकर। तो इनसे मीट करने के बाद मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन क्या है, एक ऐसी डोज है जो कि आपको पेन होता है जब आप लेते हैं, तो ज़्यादा अगर एडिक्टेड हो जाते हैं लोग तो वो भी बहुत गलत होती है। तो जब लोग इनसे मीट करते हैं तो मॉर्फिन लेने वाले लोग भी मेटामॉर्फस हो जाते हैं, मेटामॉर्फस यानी कि बदल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं मेटामॉर्फस को, कि इनसे मीट करने के बाद मॉर्फिन लेने वाले लोग मेटामॉर्फस हो जाते हैं, मेटामॉर्फस यानी कि चेंज होना, अल्टर होना। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्पीशियस। स्पीशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सुपरफिशियली प्लॉसिबल बट एक्चुअली रॉन्ग। ओके, दिखावटी, यानी कि जो लोग बहुत दिखावटी होते हैं, सुपरफिशियली प्लॉसिबल होते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं स्पीशियस। देखते हैं इसके सिनोनिम्स, डिल्यूजिव, इनकरेक्ट, इनोरियस, फॉल्स या फिर प्लॉसिबल। और एंटोनिम्स है इसके एक्यूरेट, क्रेडिबल, जेन्युइन, रियल या फिर वैलिड। तो यहाँ पे आपके लिए ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोनियस और साथ में दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये भी आपको ध्यान रखना है, प्लॉसिबल भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सेवरल वेट लॉस प्रोडक्ट ऑन द मार्केट मेक स्पीशियस क्लेम एज टू देयर इफेक्टिवनेस। यानी कि कई सारे सेवरल वेट लॉस प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जो कि दिखावटी क्लेम करते हैं उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में। अब देखते हैं इसके ट्रिक, प्रीशियस चीज़ें दिखाकर स्पीशियस करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो ये स्टोन्स होते हैं प्रीशियस, इनको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है कि लोग गलत बोलते हैं, झूठ दिखा के इनको सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि प्रीशियस चीज़ें दिखाकर स्पीशियस करते हैं, यानी कि होती कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इस तरीके से आप प्रीशियस और स्पीशियस वर्ड को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके पेपर आएगा तो आप सीधे से आपको याद आएंगे प्रीशियस स्टोन, और याद आने के बाद आप इसको इजीली करेक्ट कर लेंगे कि इसका मतलब था झूठा किसी को बेचना स्टोन को, यानी कि स्पीशियस। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है आज का सबसर्वियंट। ये क्या एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लेस इंपॉर्टेंट या फिर सब ऑर्डिनेट, सहायक। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, एसेसरी, एडिशनल, एक्स्ट्रा, रिजर्व या फिर सब्सिडरी। और एंटोनिम्स है प्रिंसिपल, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट या फिर मेन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, इन ऑर्डर टू बी ए गुड वेट्रेस यू नीड टू बी समवॉट सबसर्वियंट एज यू वेट ऑन कस्टमर्स। ओके, यानी कि इन ऑर्डर टू बी गुड वेट्रेस, अगर आपको अच्छी वेट्रेस बनना है तो आपको थोड़ा बहुत सहायक बनना पड़ेगा और कस्टमर के वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक, ये सब सर्वेंट इनके सबसर्वियंट है। ओके, तो एक कोई बड़ा बिजनेसमैन है फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो पर्सन है ये सब उसके क्या है, ये सब सर्वेंट, ये सब क्या है, उसके सर्वेंट है।
और साथ में क्या है, सबसर्वियंट है। तो देखिए सब सर्वेंट वर्ड को आप सबसर्वियंट से लेट करके दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि ऐसे कोई लोग जो कि आपके काम कराने में सहायक हो, जैसे कि घर के ये सब लोग हैं जो काम कराने में सहायक हैं, सबऑर्डिनेट हैं, ओके, तो ये क्या है, सब सर्वेंट है। तो इस तरीके से अपन सब सर्वेंट को सबसर्वियंट से लेट करके इसका मतलब याद कर सकते हैं, जिसका मतलब है सहायक, ओके। कॉन्जिगल, कॉन्जिगल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिलेटिंग टू मैरिज, वैवाहिक, तो कोई मैरिड लाइफ से कोई भी चीज रिलेटेड है तो उसको अपन कॉन्जिगल बोलते हैं। सिनोनिम देखिए, ब्राइडल, मैरिड, मैट्रिमोनियल, न्यूपचुअल या फिर वेडेड। और एंटोनिम्स है इसके, बेयर, बैचलर, सिंगल, स्पिनस्टर, ओके। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द ब्राइड एंड ग्रूम वर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंजुगल ब्लिस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, यानी कि जो वर और वधु है वो किस लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, ओके, ब्लिस यानी कि आशीर्वाद मांग रहे हैं उनके रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, ओके। यहाँ पर आपके लिए दिस वर्ड इज इम्पॉर्टेंट और दिस वन इज वर्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। रिलेटेड वर्ड देखिए, कंजुगेट यानी कि कपल्ड, कनेक्टेड और रिलेटेड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, कौन इनसे कंजुगल लाइफ स्पेंड करेगा, ओके। तो देखिए कौन इनसे, कौन को अपन इस कौन से रिलेट कर रहे हैं, अगर किसी की ऐसी बॉडी होगी, ओके, रियलिटी में, तो क्या कोई इनसे कॉन्जुगल लाइफ स्पेंड करेगा इनके साथ, नहीं करेगा, ओके। तो इस तरीके से अपन कौन वर्ड को कॉन्जुगल से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। और अगर आपको आसपास ऐसा लगता है कि कोई आपको किसी के लेके अगर कोई इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो और भी हमेशा के लिए इसे याद कर पाएंगे, ओके। और उससे सिर्फ और एक मजाक के तौर पर ही किसी को कहना है, ओके, कि कौन इनसे कॉन्जुगल लाइफ स्पेंड करेगा, तो कॉन्जुगल का मतलब वैवाहिक। और कंपेंडियम, कंपेंडियम का मतलब है कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशन। संकलन करना, तो कोई भी ऐसी कलेक्शन करना जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कोई भी बुक को, पब्लिकेशन को, तो उसको अपन कंपेंडियम कहते हैं। सिनोनिम देखिए, एब्स्ट्रैक्ट, ब्रीफ, गाइड, हैंडबुक या फिर ओवरव्यू। और इसके एंटोनिम्स है अनअब्रिजमेंट, और यहाँ पे सभी कॉमन वर्ड हैं। और देखते हैं एग्जांपल, एट द एग्जिबिट फाइव ऑफ द आर्टिस्ट पेंटिंग विल बी डिस्प्लेड टुगेदर एज अ कंपेंडियम, यानी कि एग्जिबिशन में क्या होगा, पांच जो आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग को संकलन करके दिखाया जाएगा यहाँ पे, यानी कि उन सबको इकट्ठा करके दिखाया जाएगा। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है, कम पेन से लिखने से कंपेंडियम नहीं बनता। तो देखिए कम पेन, ओके, अपन क्या बोल रहे हैं, कम पेन से अगर आप लिखेंगे तो कंपेंडियम कभी नहीं बनता, यानी कि जो कलेक्शन है किस चीज का, डिटेल इन्फॉर्मेशन का, ओके, वो कभी नहीं बनता, आपको लिखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके कंपेंडियम तैयार होता है किसी भी चीज़ का। गाइड बुक, ओके, जैसे कि आपकी कोई फॉर्मूला गाइड बुक होगी या फिर मैथमेटिक्स की, तो वो गाइड बुक काफ़ी चीज़ें लिखने के बाद में तैयार होती है, तो अगर आप कम लिखेंगे, कम पेन से लिखेंगे, तो कंपेंडियम कभी तैयार नहीं होगा। तो इस तरीके से कम पेन को अगर अपन कंपेंडियम से लेट करें तो इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बहुत आसान वर्ड है, इसका मतलब है अनिच्छा, अनिच्छा, अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग। सिनोनिम देखिए, डाउट, हेजिटेंसी, हेजिटेशन, क्वेश्चनिंग या फिर अनविलिंग। और एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, डिसिसिव या फिर रिजोल्यूशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ही टॉस्ड इन अ हिंट ऑफ रिलक्टेंस जस्ट फॉर गुड मेजर। ही टॉस्ड, उन्होंने क्या किया, टॉस किया सिर्फ अनिच्छा के हिंट के लिए, ओके, किसके लिए, गुड मेजर को देखने के लिए। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, रिलक्टेंट यानी कि अनविलिंग एंड हेजिटेंट, डिसइंक्लाइंड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, ऐसे लटके हुए लोगों के फेस पे रिलक्टेंस दिखती है। तो देखिए ऐसे लटके हुए फेस पे, अगर कोई ऐसा मुंह बना के आएगा तो आप पहले ही उसको कोई अगर काम बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कोई काम करने की इच्छा नहीं है, ओके। तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं कि ऐसे लटके हुए फेस के रिलक्टेंस दिखती है, तो लटके हुए फेस पे रिलक्टेंस, तो इस तरीके से अपन इसको लेट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी को कोई काम बताने वाले हैं और सामने से आपका जो फ्रेंड है वो पहले ही मुंह लटका हुआ लेके बैठा हुआ है, तो आप उसको क्या समझ जाते हो कि इसका काम करने की इच्छा नहीं है, बोलो भी मत इसको, ओके। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं रिलक्टेंस को। और आप आज का अपना जो लास्ट वर्ड है वो है न्यूटेरिक। न्यूटेरिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है न्यू और मॉडर्न या फिर रिसेंट, हाल का या फिर नया। कोई भी नई चीज़ होती है, मॉडर्न चीज़ होती है, उसको न्यू टेरिक कहते हैं अपन। सिनोनिम देखिए, फ्रेश, जस्ट आउट, लेटेस्ट, नाउ या फिर ओरिजिनल। एंटोनिम्स है इसके, एक्सपीरियंस, एग्जॉस्टेड, नॉर्मल, ओल्ड या फिर वॉन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द न्यूटेरिक्स हैड रिटन पोएम्स टू देयर मिट्रेसेस एज इफ दे वर गॉडसेस, ओके। तो जो नए लोग थे, राइटर थे, उन्होंने पोएम लिखी मिस्ट्रेसेस को लेकर जैसे कि वो गॉड हो। अब देखते हैं इसके ट्रिक, नए हैं मतलब न्यू टेरिक हैं। तो देखिए पहले तो ये एन ई ओ जो वर्ड है ना, ये रूट वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि नई होती है, ओके, न्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है, राहुल द्रविड़, इनके साथ में कुछ जूनियर्स है, सरफराज खान और ये सब,
तो ये इनको क्या बोल रहे हैं कि नए हैं, मतलब कैसे हैं, न्यू टरिक है। न्यू टरिक यानी कि अभी इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी है, बिगनिंग करी है। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि नए हैं मतलब न्यू टरिक है, न्यू टरिक यानी कि जो अभी अभी बने हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स आज के अपने वोकैब्स हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। और वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कि आज कौन कौन से वर्ड हैं, और रिवाइज करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। आज अपना पहला वर्ड था होता टीजी, टीजी हुए तो डीजी हो गए, टीजी यानी कि घबराहट, डीजी यानी कि चक्कर आना। इम्पीचमेंट के लिए इम्प्लीडेंट करना पड़ता है, इम्पीचमेंट यानी कि आरोप लगाना किसी को हटाने के लिए, और इम्प्लीडेंट यानी कि अभियोग लगाना। पैरों को ट्रेन करने के लिए ये चीज़ परटेंड है, परटेंड है यानी कि उसके एसोसिएट है। इनसे मीट करने के बाद मॉर्फिन लेने वाले मेटामॉर्फस हो जाते हैं यानी कि चेंज हो जाते हैं। प्रीशियस चीज़ें दिखाकर स्पीशियस करते हैं यानी कि दिखावटी इनकरेक्ट चीज़ें बेचते हैं। ये सब सर्वेंट इनके सबसर्वियंट है यानी कि सहायक है। कौन इनसे कंजुगल लाइफ स्पेंड करेगा यानी कि वैवाहिक लाइफ स्पेंड करेगा। कम पेन से लिखने पे कंपेडियन नहीं बनता यानी कि कलेक्शन नहीं बनता। ऐसे लटके हुए लोगों के फेस पे रिलक्टेंस दिखती है यानी कि अनिच्छा दिखती है। और लास्ट वर्ड था नए है मतलब न्यू टारिक है, न्यू टारिक यानी कि अभी अभी रिसेंट न्यू करियर स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन द डे जो कि हमने 16 मई को आपसे पूछा था। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमने आपसे एक सिनोनिम पूछा था ग्रोटेस्क का, जिसका सही आंसर है अबनॉर्मल। तो बी आपका सही आंसर है, और बाकी जो तीन वर्ड्स है वो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज दैट व्हिच कैन नॉट बी कैंसिल्ड। तो और अपना जो आज का वर्ड है वो है इरेफ्यूटेबल, और आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। एंड फ्रेंड्स यू नीड टू गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स। और देखते हैं फ्रेंड्स अपना नया सेशन ट्रिक बनाओ तो जाने, मेक द बेस्ट सुटेबल ट्रिक फॉर दिस वर्ड। तो कल अपन ने जो वर्ड लिया था वो स्लगिश अपन ने वर्ड लिया था, और यहाँ पे शिवम कुमार जी और अजय सिंह जी का बहुत अच्छी ट्रिक आई है। जैसे कि देखते हैं सल्लू के लेग स्लो चलते हैं इसलिए स्लगिश हैं, तो इन्होंने बहुत सही सल्लू और स्लगिश को लेट किया, और इससे आप सभी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। साथ में स्लगिश का इन्होंने एक और दिया अजय सिंह जी ने कि पगिश डॉग स्लगिश नहीं होते। ओके, यानी कि जो पगिश डॉग होते हैं वो स्लो नहीं होते। और आपका जो आज का वर्ड है फ्रेंड्स जो आपको उसकी ट्रिक बनानी है वो है एक्सोनरेट। ओके, इस वर्ड की आप सभी को ट्रिक बनानी है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है इस वीडियो के ऊपर ताकि आपके जो इनोवेशन है, इनोवेटिव तरीका है, इससे सभी को बेनिफिट हो सके। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।